नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा शाह। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह आज हवाई मार्ग से चूना पुरुष सैन्य हवाई अड्डा पर उतरे। इसके बाद पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जन भावना सभा को संबोधित करेंगे। दो दिवसीय दौरे में गृह मंत्री किशनगंज में रात्रि विश्राम और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं कल SSB के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। पूर्णिया के जन भावना सभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जन भावना सभा में महिला मोर्चा की भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी है। महिला मोर्चा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा कि लाखों लाखों की संख्या में लोग अपने घरों से निकल पड़े हैं और सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है। तो आप आज की भीड़ को देख के ही समझेंगे कि जो अभी सीमावर्ती और सीमांचल के जो लोगों में क्या उत्साह है, और निश्चित रूप से यहाँ लाखों की संख्या में लोग स्वस्फूर्त आ रहे हैं। यहाँ जनता तैयारी की है इस सम्मेलन की, कार्यकर्ता तैयारी नहीं किया है, और स्वतः स्फूर्त लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी और लाखों की संख्या में रहेंगे। आप इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतनी भीड़ यहाँ पे महिला और पुरुषों की रहेगी। वे तैयारी की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं ये स्फूर्त लोगों का है, क्योंकि जिस तरह की बिहार में अराजकता चल रही है, जिस तरह से यहाँ पे लोगों के भावना के साथ खेला गया है, तो वो लोग स्वयं चाह रहे हैं कि यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन हो और भाजपा की सरकार यहाँ बने, और इसीलिए लोग उत्साहित होकर यहाँ लोग एक चयन और शांति की जो परिवेश है बिहार में बने, इसके लिए यहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि इस सभा से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यह रैली सीमांचल की दिशा तय करेगी और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता पर आसीन होंगे। आपको खुद यह तैयारी देख करके पता चलता होगा कि कैसी तैयारी है। यह ऐतिहासिक तैयारी है, वाकई में सीमांचल के इलाकों के लोगों के लिए और बिहार के वासियों के लिए बहुत बड़ा रैली है, क्योंकि सरकार से हटने के बाद यह रैली जो लोगों में उत्साह है, जो समर्थन है, आज देखने को मिलेगा और पूरे बिहार का यहाँ से आगाज होगा और पूरे सीमांचल के साथ साथ हम बिहार जीतने का काम करेंगे और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पर जाएंगे। ये आज की तैयारी हम लोग का शुरू हो चुका है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।